हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है गूगल असिस्टेंट को किस प्रकार से ऑन ऑफ करते हुए बताऊंगी, और सॉरी फ्रेंड्स, मतलब किस प्रकार से इनेबल करते हुए बताऊंगी और इसमें क्या क्या फ़ायदा होता है वो भी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है टेक्नो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा गूगल असिस्टेंट ऐप है ये। तो अगर ऐप नहीं आपके में तो उसकी जगह आप कैसे इनेबल करते हैं उसे वो बता देते हैं। तो आप सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और इसके बाद अगर यहाँ कहीं नहीं मिलता आपको तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे वॉइस, तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा। तो मैं पहले से सर्च करूँगी वॉइस, एंड इसके बाद आपको वॉइस मर्ज का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है हे गूगल, तो यानी कि हे गूगल बोलने पर भी आपको आ जाएगा, या फिर ओके गूगल कहने पर। तो फ्रेंड्स, इसे ऑन करें इस प्रकार से। ऑन करने के बाद आपका और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको हे गूगल बोलते जाना और आपका पूरा गूगल हो जाएगा। तब आपका गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगी एंड इस पर क्लिक करेंगे एरो पर, और एग्री पे मतलब एग्री पे क्लिक कर देंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और आपको यहाँ बोलना है ओके गूगल या फिर हे गूगल, तो मैं ओके गूगल बोलूँगी। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए ऐसे राउंड राउंड घूम रहे। तो ये ऑन हो चुका है। ऑन करने के बाद आपको वॉइस मॉड्यूल इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका ओके गूगल बोलना है 3-4 बार, जब तक कि पूरा राउंड ना हो जाए। ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, तब राइट का निशान आ गया। एंड इसके बाद आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है और आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हो गया वैसे तो इसे होम कर देंगे। फिर आपको बोलना है ओके गूगल, और जो भी आप उनसे पूछेंगे, जो आपको सेट करना है, जो कॉल करना है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ओके गूगल प्लीज़ कॉल मी कस्टमर केयर। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, और तब देख सकते हैं कॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कॉल कर सकते हैं किसी को भी, जो आपके कॉन्टेक्ट में नंबर सेफ है उसी को आप कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ कस्टमर केयर को आपको बताई हूँ। एंड इसके बाद अगर आप कुछ भी बोलेंगे तभी यह होगा, जैसे कि बोलेंगे ओके गूगल प्लीज़ सेट अलार्म। यहाँ देख सकते हैं, जो आप बोलते हैं तो आपका सेट हो जाता है। जो आपसे पूछते हैं कि यानी कि आप कितने बजे का अलार्म सेट करना चाहेंगे, वो पूछ रहे थे। मैंने 6 AM कह दी एंड ये सेट हो चुका है, इसे होम कर देंगे। तो पर देख सकते हैं अलार्म सेट हो चुका है। अगर बोलने चाहेंगे आप ऑफ़ कर दो तो ऑफ़ कर देगा। जैसे ओके गूगल प्लीज़ ऑफ अलार्म, You can do that in the app. यहाँ देख सकते हैं, तो आप यहाँ से ऑफ कर देंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में और मतलब कि गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, और उसे ऑन करके रखना होता है वॉइस मर्ज को, तभी आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया। आप कुछ भी पूछते हैं इनसे, कोई भी सवाल, चाहे स्कूल का सवाल हो, चाहे कहीं का भी रेसिपी देख रहे, तो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ ओके गूगल एंड ओपन, और तो जो भी आप बोलते हैं वो आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ ओके गूगल योर टू फ्रॉम टेक्नो पूजा। सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं बोल देती हूँ ऐसे ओके गूगल चैनल टेक्नो पूजा। तो यहाँ देख सकते हैं, इससे नाम से वैसा आ गया। पर अब बोलेंगे तो हाँ, तो ऐसे बोलना होगा आपको हे गूगल ओपन यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं आपका ओपन हो चुका है यूट्यूब, एंड यहाँ पे आप अपना सर्च करेंगे टेक्नो पूजा कुछ भी, आप जो भी आप बोलते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसी को कहते हैं हम, तो आपको सब बता चुकी है। तो इसी प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट का, और ये कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको ऑफ़ करना बताऊँगी, तो फ्रेंड्स वो भी देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।